फाइनली एक ऐसा फ़ोन आ चुका है जिसको मैं पर्सनली आँख बंद करके खरीदना चाहता हूँ, क्योंकि ये फ़ोन मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया पर्सनली। ये एक फुल कंप्लीट फ़ोन है, पोको X5 Pro 5G। हटा दो Realme 10 Pro Plus और Redmi Note 12 Pro Plus को, सीधा खरीदो पोको X5 Pro 5G को। कुछ लोग कहेंगे कि यार तुझे पैसा दिया जाता है। देखिए गाइस, मेरा जो चैनल है ना अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ है। जब तक आप लोग सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं करोगे या फिर मेरी वीडियोस को ठीक ठाक आप लोग नहीं देखोगे या फिर पसंद नहीं करोगे, तब तक मेरा मोनेटाइज नहीं होगा, ये आपको पता है। तो मैं आपके दिमाग में अच्छी तरीके से क्लैरिफिकेशन लाने वाला हूँ इस वीडियो में। पोको X5 Pro 5G जो लॉन्च हुआ है कुछ दिन पहले, इसके बाइंग डिसीजन मैं आपको क्लियरली देने वाला हूँ, और ये फ़ोन आपके लिए बेस्ट क्यों हो सकता है और किन किन यूजर्स के लिए ये फ़ोन सुटेबल है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। जो सच है वो बताना जरूरी है गाइस, क्योंकि झूठ बोलकर किसी भी चीज़ को नीचा दिखाना जो कि एक्चुअल में नहीं है वो करना ठीक नहीं है। यहाँ पर जो पोको X5 Pro 5G है, स्पेक्स की अगर बात करें तो यहाँ पर एमोलेड डिस्प्ले है। डिस्प्ले की अगर बात करें तो 120 हर्ट्ज 10 बिट जो ब्राइटनेस है वो बहुत ही हाई है, मतलब कि मैक्सिमम 1200 निट्स तक जा सकता है। HBM मतलब कि हाई ब्राइटनेस मोड अगर आप लोग यूज़ करते हो कस्टम रोम्स के जरिए, और इसी के ऊपर आऊँगा कस्टम रोम्स, ठीक है, इसके ऊपर आऊँगा कि किन लोगों के लिए ये फ़ोन सुटेबल हो सकता है और किस टाइप के मॉडिफिकेशन आप इस फोन के साथ कर सकते हो अगर आप एक एडवांस्ड यूजर हो तो। लेकिन सबसे पहले जो बेसिक यूजर्स के लिए चाहिए वो मैं क्लैरिफिकेशन आपके दिमाग में लाना चाहता हूँ। देखिए गाइस, यहाँ पर डिस्प्ले के मामले में जो Realme 10 Pro Plus है ना, वो नो डाउट एक अच्छा डिस्प्ले है, लेकिन वो कंप्लीट फोन नहीं है प्रोसेसर के हिसाब से। लेकिन यहाँ पर जो पोको X5 Pro 5G स्मार्टफोन है ना, वो बहुत ही एक कंप्लीट फोन है, क्योंकि प्रोसेसर इसमें दिया गया है स्नैपड्रैगन 778G 5G, मेरा पर्सनल फेवरेट प्रोसेसर। जो लोग मल्टीमीडिया को ज़्यादा कंज्यूम करते हैं उन लोगों के लिए ये डिस्प्ले परफेक्ट है। एमोलेड है, लेकिन आप लोग ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि इसकी जो ब्राइटनेस है वो 1500 या फिर 1800 निट्स तक जा सकता था, या फिर इस तरह के कुछ होता तो बहुत ही अच्छा होता। लेकिन ये एक मिड रेंज स्मार्टफोन है, इसलिए 1200 निट्स या फिर जो आप लोग देखोगे 900 निट्स, ये इनफ है हम लोगों के लिए, यानी कि एक मिड रेंज यूज़र के लिए ये इनफ है। और ज़्यादा ब्राइटनेस होने की वजह से बैटरी भी थोड़ा सा ज़्यादा कंज्यूम होता है, मतलब कि डिस्प्ले इसमें परफेक्ट आपको मिलने वाला है डॉल्बी विजन के साथ। आगे बढ़ते हैं साउंड की ओर, क्योंकि ये चीज़ मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है, और ऐसा क्यों है आप लोगों को मैं क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ। देखिए गाइस, यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं Realme जो 10 Pro Plus है उसके साथ इसको कंपेयर किया जा रहा है। लेकिन Realme 10 Pro Plus में नो डाउट एक अच्छा स्पीकर है, लेकिन उसमें जो बेस है ना बहुत ही कम है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें पोको X5 Pro 5G की, नो डाउट इसमें आपको बेस ट्रिबल जो वोकल्स है ना वो बहुत ही शार्प आपको सुनने के लिए मिल जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि Xiaomi की जो स्पीकर्स होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, हालांकि थोड़ा सा डिस्टोर्शन ज़्यादा होता है जो Xiaomi की फ़ोन्स में स्पीकर हमें मिलता है, जैसे कि पोको Redmi या फिर Mi फ़ोन्स में, ठीक है। लेकिन स्पीकर की क्वालिटी Xiaomi फ़ोन्स में बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि मैंने बहुत दिन से Xiaomi फ़ोन्स को अभी तक मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे पता है। यहाँ पर डुअल स्पीकर है, हालांकि एक स्पीकर में थोड़ा सा आपको साउंड लो सुनने के लिए मिल जाएगा, लेकिन जो दोनों ही स्पीकर है ना एक साथ मिलकर आपको बहुत ही अच्छा साउंड आउटपुट सुनने के लिए मिल जाएगा। नो डाउट जो Realme 10 Pro Plus है ना वो बहुत ही नीचे रह जाएगा, मैं आपको गारंटी देता हूं। और एक पॉइंट, यहां पर आपको मिलने वाला है 192 किलोहर्ट्ज ऑडियो, जो कि बहुत ही ज्यादा डीप म्यूजिक या फिर म्यूजिक एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करेगा। 192 किलोहर्ट्ज ऑडियो बहुत ही अच्छा एक एक्सपीरियंस लोगों को प्रोवाइड करता है, जब आप लोग हेडफोन से यूज करोगे या फिर जब भी आप लोग स्पीकर में गाना सुनोगे, ठीक है, तो आप लोगों को महसूस हो जाएगा रियल लाइफ में ये बहुत ही ज्यादा एक अच्छा एक्सपीरियंस देता है। अगर हम कैमरा की बात करें तो 108 मेगापिक्सल पीछे की तरफ मेन कैमरा है, जो 8 और जो 2 मेगापिक्सल कैमरा है ना उसकी बात मैं नहीं करने वाला हूँ। 108 मेगापिक्सल की कैमरा जो बाय डिफॉल्ट कैमरा है, मी कैमरा यानी कि ANX कैमरा जो फोन के साथ आने वाला है, जो बाय डिफॉल्ट आप लोग यूज करने वाले हो, उससे जो 108 मेगापिक्सल की फोटोज है ना वो बहुत ही शार्प आपको देखने के लिए मिल जाएगा। हालांकि थर्ड पार्टी कैमरा ऐप से आप लोग उतना ज्यादा शार्पनेस नहीं देख पाओगे, क्योंकि उसमें इमेज प्रोसेसिंग अलग से होता है, लेकिन जो मेन कैमरा है फोन की उससे आप लोग बहुत ही एक अच्छा खासा फोटो खींच सकते हो 108 मेगापिक्सल से। अगर हम बात करें फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पर देखिए एक मतलब डिसेंट क्वालिटी की कैमरा है 16 मेगापिक्सल की। और अगर आपने कभी भी जिंदगी में 16 मेगापिक्सल को यूज़ नहीं की है, तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ 16 मेगापिक्सल मिनिमम रिक्वायरमेंट है वीडियो कैप्चरिंग के लिए, जिसके अंदर डिटेल्स होगा। मतलब कि अगर आपने 13 मेगापिक्सल या फिर 8 मेगापिक्सल जो फ्रंट कैमरास होता है ना उससे आपने ज़िंदगी में कभी भी वीडियो को शूट की है, चाहे 1080 पिक्सल में या फिर 4K में, तो उसमें आपको क्लैरिटी उतना अच्छा देखने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपकी फ़ोन में 16 मेगापिक्सल है, तो वो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है ताकि वीडियो में क्लैरिटी आए। मतलब कि 16 मेगापिक्सल बेस वेरियंट है
फ्रंट कैमरा के लिए, जहां पर आपको जो क्लैरिटी है ना देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब कि इसमें आपको वीडियो क्वालिटी में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है। लेकिन हाँ, बाकी सारे फोन से अगर आप लोग कंपेयर करते हो जो 30,000 या फिर 35,000 के अंदर आता है जो भी फोन, उसमें नो डाउट जो फ्रंट कैमरा की क्वालिटी है ना वो बहुत अच्छा होता है। लेकिन हाँ, इसमें भी आपको एक डिसेंट क्वालिटी की फोटो देखने के लिए मिल जाएगा और वीडियो में नो डाउट बहुत ही अच्छा खासा आप लोग जो है वीडियो शूट कर पाओगे इसकी फ्रंट कैमरा से। ठीक है, ओवरऑल बॉडी यानी कि फ्रेम की बात करें तो यहाँ पर प्लास्टिक यूज़ किया गया है और ये एक अच्छा डिसीजन है, क्योंकि ग्लास पैक होने की वजह से थोड़ा सा डर रहता है दिल के अंदर कि भाई फ़ोन अगर गिर गया तो टूट सकता है। चाहे जितना भी गोरिल्ला ग्लास पिक्टस क्यों ना आए, 3, 4, 5 जो भी वर्जन क्यों ना आए, पीछे की तरफ प्लास्टिक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बैटरी की अगर बात करें तो मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि 5000 mAh की बैटरी है वो ठीक है, लेकिन चार्जर दिया गया है 67W की। इसमें एक्चुअल में होना चाहिए था 33W की, क्योंकि गाइस ज़्यादा वाट की चार्जर बैटरी को बहुत ही जल्दी डैमेज कर देता है। आप लोग इसकी बैटरी को ठीक ठाक मैक्सिमम 1 साल तक यूज़ कर पाओगे, देन बैटरी जल्दी डैमेज होना शुरू कर देगा। 33W देना ज़रूरी था, ठीक है। और बाय डिफ़ॉल्ट आप लोग जो है इसमें मैक्सिमम 8 आवर्स तक जो डिस्प्ले ऑन टाइम है ना आप लोग देख पाओगे, वो इसलिए क्योंकि 67W की चार्जर दिया गया है। फुल चार्ज को आप लोग जो है मैक्सिमम 8 आवर्स तक यूज़ कर सकते हो, मतलब डिस्प्ले ऑन करके, ठीक है। लेकिन अगर 33W देता Xiaomi, ठीक है, तो इसमें मिनिमम 10 घंटा चल जाता, मैं आपको गारंटी देता हूँ। लेकिन हालांकि इसमें नहीं दिया गया है तो आप लोग थोड़ी ना शायद मेरी बातों को ट्रस्ट करोगे, लेकिन गाइस ऐसा ही है। बात करते हैं प्रोसेसर की, तो यहाँ पर लगा है स्नैपड्रैगन 778G 5G प्रोसेसर, जो कि एक बहुत ही अच्छा स्टेबल प्रोसेसर है। मतलब हीटिंग की इशू आपको ना की बराबर देखने के लिए मिलेगा और लॉन्ग टाइम तक इस फोन में आपको हीटिंग इशू देखने के लिए नहीं मिलेगा। मतलब मिनिमम आप लोग जो है इसको 2 साल तक आराम से यूज़ कर पाओगे, मतलब हीटिंग इशू आपको ना के बराबर देखने के लिए मिल जाएगा। और अगर बात करें 5G बैंड्स की, तो यहाँ पर एक बैंड की कमी है, लेकिन उससे आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बैंड शायद रिलीज नहीं होगा, मे भी हो सकता है लेकिन लेटर ऑन रिलीज होगा, तो इसमें आपको टेंशन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर मेन सवाल ये है कि आखिर ये फ़ोन किन यूज़र्स के लिए स्पेशल है, जो लोग फ़ोन को मॉडिफाई करना पसंद करते हैं, जैसे कि कस्टम रॉम्स को डालना या फिर कस्टम कैमरा ऐप्स को डालना, जो कि हम जो है मैजिक्स के थ्रू यूज़ करते हैं। तो ये सारी जो काम है ना इस फ़ोन में आप लोग स्मूथली कर पाओगे, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है। और प्राइस भी देखिएगा थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन आपको जो है इसको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि स्मार्टफोन्स के प्राइस और ज़्यादा इंक्रीज होने वाला है फ्यूचर में। तो प्राइस के हिसाब से जो भी पैकिंग किया गया है इस फोन के अंदर, वो एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। मतलब एक टोटल फुल कंप्लीट फोन है जो आप लोग आंख बंद करके खरीद सकते हो, आपकी जो पैसा ना वो बर्बाद नहीं जाने वाला है। मैं कहता हूं कि Realme 10 Pro Plus को छोड़कर इस फोन को खरीदो, आपको रिग्रेट फील नहीं होगा। उम्मीद करता हूं कि आपके दिमाग में क्लैरिफिकेशन आ चुका है कि ये फोन किन किन यूजर्स के लिए फिट बैठता है और आपके लिए क्या ये फोन सुटेबल है या फिर नहीं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर ठोक देना, अगर चैनल पर नए हो तो क्या करना है, सब्सक्राइब इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए। और मेरे को हेल्प करने के लिए आप लोगों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना होगा। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी दोस्त फ़ोन खरीदना चाहता है इस वीडियो को शेयर कर दो, ताकि उसकी हेल्प हो जाए और मेरा भी हेल्प हो जाए। तो मैं मिलूँगा आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।